लालची बगुला। एक घने जंगल में एक तालाब था। उसके किनारे एक बगुला रहता था। उसी तालाब में बहुत सारी मछलियां और अन्य जलचर भी रहते थे। जब बगुला जवान था तब वो आराम से शिकार करके चैन से रहता था। अब बगुला बूढ़ा हो गया था और उसी तेजी फुर्ती से मछलियां नहीं पकड़ पा रहा था। अक्सर उसे भूखा रहना पड़ता था। एक दिन तो उसे दिन भर एक भी मछली नहीं मिली। शाम को तालाब के किनारे वो भूख के मारे जोर जोर से रोने लगा। तालाब से केकड़ा और अन्य मछलियों ने उसे रोने का कारण पूछा। धूर्त बगुले ने जवाब दिया, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तुम सब के लिए रो रहा हूं। एक ज्योतिषी ने मुझे बताया कि जल्द ही यह तालाब सूखने वाला है, फिर तुम सबका क्या अंजाम होगा। मैं भी यहीं पैदा हुआ और तुम सब की मौत के लिए बहुत दुखी हूँ। इस चिंता के कारण मैंने खाना भी छोड़ दिया है। नादान मछलियाँ बगुले की बातें सुनकर डर गईं। उन्होंने उससे सहायता मांगी। अरे भाई बगुले, तुम तो सबसे बड़े और अनुभवी हो, हमें इस संकट से बचाओ, हमारी मदद करो। धूर्त बगुला इसी मौके का तो इंतजार कर रहा था। वो मदद करने के लिए तुरंत राजी हो गया। यहाँ से कुछ ही दूर दूसरा बड़ा तालाब है, मैं तुम सबको एक एक करके आराम से वहां पहुंचा दूंगा। ये बात सुनकर मछलियां और बाकी जलचर बहुत खुश हुए और बगुले को धन्यवाद देने लगे। बूढ़े बगुले को भी अपनी भोजन की समस्या का हल मिल गया। सहायता करने के उद्देश्य से बगुला एक एक मछली को वहां से ले जाने लगा। लेकिन वो बूढ़ा बगुला कोई साधु संत नहीं था। सहायता करना तो सिर्फ एक नाटक था। वो बगुला मछलियों को घने जंगल में एक चट्टान पर ले जाता और आसानी से मारकर उन्हें चट कर जाता। दिन ऐसे ही कटने लगे। जगह बदलने की उत्सुकता में हर दिन सभी प्राणी उसे जल्दी ले जाने की विनती करने लगे। बगुले को अब भरपेट खाना मिलने लगा। इस तरह बगुला बहुत खुश था। एक दिन तालाब में रहने वाला एक केकड़ा बगुले से कहने लगा, मैं कितने दिनों से आपको मुझे ले जाने की विनती कर रहा हूँ, आप तो सिर्फ मछलियों को ही ले जाते हैं, लेकिन आज तो मेरी बारी है ना, कृपया आप मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर उस तालाब तक ले जाइए। केकड़े को पीठ पर बिठाकर बगुला उड़ने लगा। केकड़े ने पूछा, क्यों दोस्त, वो सब मछलियां नई जगह पर खुश तो है ना। बगुला सोच रहा था, अब ये केकड़ा पीठ से कहां भागेगा, तालाब से भी दूर आ गए हैं, चलो इसे सच बता ही दूं, बेचारा। बगुला हंसकर बोला, कैसा तालाब बच्चे, वहां कोई तालाब नहीं है, तुम चिंता ना करो, सारी मछलियां मेरे पेट में सुरक्षित हैं, और अब तुम भी मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जाओ। बगुले की नीचता केकड़े के ध्यान में आ गई। उसने बगुले की लंबी गर्दन को मरोड़ दिया और वो धूर्त बगुला उसी समय मर गया। केकड़ा वापस तालाब पर आया और उसने सबको बगुले की नीचता के बारे में बताया। सभी ने केकड़े की प्रशंसा की और उसे धन्यवाद दिया। दुश्मन की बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए।